2019 में होने वाले चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे, क्या गठबंधन से लड़ेंगे या अकेले दम तक? ये तो अभी लंबी बात, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने बता भी दिया कि गठबंधन का प्रभाव आपको बता दिया, गठबंधन की लाभ हम बता दिया। बड़े बड़े दलों को सोचना होगा, हम छोटे दल हैं, लेकिन मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इतना मैं आपसे। सर गठबंधन आपने कहा कि लास्ट मिनट तक कंफर्म नहीं हो पाई सीटें, और जो हुई तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं थी, चाहे वो झारखंड हो या बिहार हो, अब एक साल बाद यूपी है, तो यहाँ कैसे तैयारी करेंगे? 450 सीटों के हिसाब से करेंगे या फिर इंतजार करेंगे लास्ट में? नहीं, हम वो तो लास्ट तक नहीं करेंगे, तैयारी तो मेरी पूरी होगी, मतलब सभी सीटों के लिए तैयारी चालू होगी, पूरी तैयारी होगी। यानी आप अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे? जहाँ जहाँ हमारा मतलब लगेगा कि हम यहाँ लड़ सकते हैं, अगर अकेले लड़ेंगे तो 400 बड़ा स्टेट है, लेकिन मेरा प्रयास है, क्योंकि मेरे पास पूरा समय है अभी। तो हनुमान जी अकेले ही इस बार सीता का पता लगा, कोई और गया क्या? प्रदेश में पता तो अभी लगा। आपकी पार्टी 20 साल से कार्य कर रही है, और अभी आपने बताया कि दलित गरीब कमजोर वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, तो कैसे आपने उत्पीड़न जो हो रहा है उसकी आवाज अब तक सड़क पर क्यों नहीं आई है? देखिए, दो तरफ से विरोध होता है। जब जब आरक्षण को लेकर के आपने देखा, चाहे वो सवर्ण का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे किसी का हो, लोकसभा और विधानसभा एक ऐसा माध्यम है जहाँ आवाज उठाई जाती है, और एक आवाज़ वो उठाई जाती है जिसमें कि डर के उठाई जाती है। रामविलास पासवान जी कभी डर के नहीं उठाए। अन्याय और अत्याचार के जब गोधरा का कांड हुआ था, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं दिया किसी कारण पर। रामविलास पासवान जी ने, उनको लगा कि यहाँ पर कम्युनल लड़ाई हो रही है, उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी आपने बीच में देखा होगा कि आरक्षण के मामले पर रामविलास पासवान जी ने सीधे सरकार को कहा, महीना याद नहीं है, 9 तारीख को तारीख दिया और कहा 5 बजे तक फैसला नहीं होगा तो आगे हम कदम उठाएंगे, और सरकार को झुकना पड़ा। तो लड़ाई दो तरह की होती है, सड़क पर उतरने की भी होती है और पार्लियामेंट में और विधानसभा में भी होती है। अगर विधानसभा में हमारे लड़ने से सरकार झुक जाती है तो हम समझते हैं कि सड़क पर नंगा नृत्य करने से ज़्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन जिस दिन ये समझ में आएगा कि नंगा नृत्य से ही रास्ता निकलेगा, उस दिन हम सड़क पर भी उतरेंगे। ना तो सड़क पर उतर रहे हैं, तो इस समय जो बिगड़ती हुई हाल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, दलित उत्पीड़न भी हो रहा है, महिला उत्पीड़न भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में सरकार को? इस पर हम लोग अभी गठबंधन का हिस्सा भी थे, सरकार के साथ भी हैं, अभी सेंटर में हम लोग भी, वो भी इसको स्वीकार करते हैं कि सेंटर में हमारा गठबंधन है, राज्य में भले ही नहीं रहा तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम रहता है या हम लोगों का काम रहता है कि हम अपने प्रदेश के मुखिया को भी पत्र लिखें, उनके भी ध्यान में डालें, मांग करें हर जगह, जैसा कि आज भी मैंने मांग किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारा बार बार पत्र प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को लिखता रहता है कि परिस्थिति खराब हो रही है, हम आपको अवगत करा रहे हैं।